Fever upper body go left to right to
क्या होता था, इनिशियल मोमेंटम देता था और बहादुर सिंह के लिए जरूरी भी था, क्योंकि उनकी आयु भी बहुत ज्यादा कम थी। उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक किया उनके अंदर वर्ल्ड के सबसे कम हाइट के एथलीट शॉर्ट पुटर थे वो, तो उन्होंने उनके लिए मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए भूषण साहब ने उनके तीन बार अपर बॉडी आपका बायां हाथ जो लेफ्ट साइड की तरफ वापस राइट से लेफ्ट की तरफ आता था जनरेटेड बाई द राइट एंड राइट दोनों हमारी फ्लोटिंग लेग होती है, चाहे डिस्कस थ्रो हो चाहे शॉर्ट हो, दोनों में हमारी राइट लेफ्ट लेग होती है, फ्लोटिंग लेग कहलाती है। और जो राइट लेग होती है, लेफ्ट लेग होती है, फ्लोटिंग लेग कहलाती है और इसके ऊपर प्रमोट करता है, एक ही जगह पर होता है। इसके अलाउंड जो होती है लेफ्ट लेग राइट लेग जो कि आपकी लेफ्ट फ्लोटिंग लेग ठीक है, तो जैसे ही आपका लास्ट स्विंग प्राइमरी स्विंग जो है बाजू में बाजू जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाना शुरू होता था, जैसे ही स्विंग का सहारा लेते थे, इससे क्या है उनका बाजू का एकदम ये में क्या है, जितना आपका बाजू लंबा होगा उतना ही जब आपका जितना बड़ा रेडियस होगा उतना आपका अगर आप ताकत लगाते हैं तो लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा फायदा होता है। प्रॉब्लम क्या है इस टाइम में जो हमारा रोटेशन में फिटनेस कंट्रोल करना और बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज के टाइम में जो हमारा इनिशियल मूवमेंट है आफ्टर होती है आपका शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल
Thank you.